Hi everyone, welcome back to my channel. This is Anjana and in this video I'm showing you my Diwali vlog. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले मैं सुबह मार्केटिंग की थी और मार्केटिंग करके बहुत लेट हो गई थी घर आने में. उसके बाद आके मैंने ये रंगोली डाली. इस रंगोली को डालते हुए एटलीस्ट 3 hours लग गए थे. तो 6 o'clock तो हो ही गया था. फिर 6 o'clock होने के बाद फिर मैंने पूरा वाइंड अप किया रंगोली से, डेकोरेशन ख़त्म करके फिर ये साड़ी पहनी. मेकअप एंड ट्यूटोरियल नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं. हम लोगों ने फिर पूजा की फटाफट. फिर मैंने दिए लगाए सब जगह और ये रंगोली बनाने में इतना टाइम कंज्यूम हो गया था मेरा. तो उसके बाद फिर मैंने डेकोरेशन किया. फिर सारी जगह पूरे घर में दिए लगाए, फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया घर को. ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट लेकर आई हूँ आपके लिए क्योंकि मैं दिवाली का टाइम, आपको पता है कभी गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसी में टाइम निकल रहा था तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी. और ये मैंने यहाँ पे बनारसी साड़ी पहनी है. इसके साथ मैंने टेराकोटा का नेकलेस स्टाइल किया. बहुत ही प्यारा लुक आया था इस बनारसी साड़ी का भी. अलग से मैं इस बनारसी साड़ी का एक गेट रेडी विथ मी करूँगी. आगे फ्रंट पे भी मैंने दिए ये लगाए और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हमें जाना है नीचे. तो मतलब पहले कंप्लीट कर ले सब कुछ फिर चलते हैं. तो मैंने आगे फ्लावर के ये मैंने रेड जो बैटरी वाले दिए होते हैं, मतलब बैटरी वाले जो पानी में डाल के ऑन होते हैं, वो बीच में लगाए थे. फिर बाकी तेल वाले दिए लगाए. और इसके बाद अंदर में घर को डेकोरेट किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ. फिर हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाया, मैंने रंगोली के साथ करवाई, मेरे हस्बैंड ने करवाई. और फिर हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया. हमारे यहाँ मूंग चावल बनते हैं एक शगुन के टाइम में, तो मूंग चावल खाए. उसके बाद फिर हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद हमने थोड़े से फूलझड़ी वगैरह जलाई और इन्जॉय किया और फ़ोटो सेशंस करवाए. तो बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ और आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा ये लुक आपको कैसा लगा. तो मैं अलग से इसका गेट रेडी विथ मी ज़रूर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड स्टे फिट स्टे स्टाइलिश. बाय बाय एवरीवन.